सो अगर आप लोग फीमेल पहली बार हीट पर आई है तो आप लोग क्या करना चाहिए? Hey guys, welcome back to another video. And जैसा कि दोस्तों आप लोगों से मैंने कहा था कि कभी भी इन फ्यूचर मेरे रॉक्सी अब पहला के पेट्स अवेलेबल होंगे तो मतलब बेबीज अवेलेबल होंगे तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा. एंड फाइनली गाइज आप लोग मेरी रॉक्सी को देख सकते हो जो कि फिलहाल हीट पर आई हुई है. एंड दोस्तों मैं इसकी एक मीटिंग यहाँ पे करा चुका हूँ और सेकंड मीटिंग आज होनी है क्योंकि मैं परसों इसको करा कर आया था. एंड दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊँ, आपके डॉग भी अगर यहाँ पे हीट साइकिल पे आ चुके हैं तो उसको आप लोगों को क्या खाना देना है, कैसे उसको बिहेव रखना है, आपको उसको कैसे उसको ट्रीट करना है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे समझाऊंगा. तो फिलहाल देखो, जैसे ये दोनों एमरी हर वीडियो में खेलती रहती थी लेकिन आज दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मतलब आज आप लोग देख सकते हो भाई ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, रॉक्सी का खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है. और बाकी जो आप लोग देखते आए हो मेरे दूसरे पेट्स को, जैसा आप लोग देखो ये बड़ी हो गई है लेकिन इसने अभी भी यहाँ पे बैठना छोड़ा नहीं है. आपको ये मेरी हर वीडियो में यहीं पे बैठी हुई मिलेगी और मेरा बगीरा आप लोगों को बाहर देखने को मिल जाएगा. पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज अपनी रॉक्सी की, क्योंकि रॉक्सी हमारी हीट पर है और आप में से काफी सारे भाई जो पेट्स रखते होंगे उनकी भी डॉग्स फीमेल डॉग यहाँ पे एक हीट पर आ चुकी होगी क्योंकि इनका हर सीजन में ऐसा ही आता है कि काफी सारी फीमेल इसी टाइम पर आती है. तो दोस्तों अगर आप लोग फीमेल पहली बार हीट पर आई है तो आप लोग क्या करना चाहिए? हालांकि मेरी फीमेल जो है मतलब की रॉक्सी ये तीसरी बार आई है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब पहली बार आई थी तो उसने काफी सारी प्रॉब्लम फेस की थी और आपके डॉग को भी यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है. तो आप लोगों को कैसे उसको ट्रीट करना है वो मैं यहाँ पे समझाऊं. तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखो, अगर आप लोगों की फीमेल पहली बार हीट पर आई है तो आप लोगों को उसको यहाँ पे देखोगे कि वो खाना नहीं खाएगी ठीक से, मतलब कि कुछ दिन थोड़ी सुस्त रहेगी, मायूस रहेगी, खाना पीना छोड़ देगी. और आप लोगों को इस बात का मेन ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल भी कंसीव नहीं कराना है फर्स्ट हीट पर, क्योंकि फर्स्ट हीट पर ये होता क्या है, इनको कुछ समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा हार्ड होता है उस टाइम इनके लिए और थोड़ी बच्ची होती है मतलब की. तो इनको आप पहली बार में अगर आप लोग इनको क्रॉस नहीं कराओ तो बेटर रहेगा, इनकी हेल्थ इशू वरना खराब हो सकती है पहली टाइम के बाद, क्योंकि इनको फिर पतला हो जाती है, मतलब बहुत कमजोर से फील करती है अगर पहली बार हो जाती है. तो फर्स्ट हीट पर आप लोगों को इनको बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कराना. एंड उसके बाद अगर आप लोग फर्स्ट हीट खाली छुड़वाते हो तो भाई दूसरी हीट इनकी 3.5 महीने के अंदर ही आ जाती है और अगर इनका बेबी होते हैं तो 6 महीने बाद आती है. लेकिन आप लोगों की फीमेल फर्स्ट हीट खाली रखती है तो भाई उसकी जल्दी आ जाती है, मतलब 3.5 महीने के बाद यहाँ पे फिर से आ जाती है. फिलहाल आप लोग मेरी रॉक्सी को देख सकते हो, काफी अच्छी हेल्थ है फिलहाल इसकी, ज्यादा मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं है. आपकी फीमेल ऐसी होनी चाहिए. और अगर आप लोग फीमेल सेकंड हीट पर या फिर थर्ड हीट पर है तो उसको आप लोग क्या करना है? दोस्तों आप लोगों को उसको खाने में सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें देनी है जो कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, यानी कि आप लोग उसके खाने में मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो. एंड मैं आप लोगों को आज इसकी डाइट बताने वाला हूँ दिन की, मतलब सुबह की, कि मैं इसको सुबह खाने में क्या देता हूँ और रात को खाने में क्या देता हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा. तो फिलहाल आप लोग देखो ये रॉक्सी यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही करती रहेगी और इनकी डाइट मैंने तैयार की हुई है तो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ. जैसे मैंने इसके लिए यहाँ पे देखो 4 रोटी यहाँ पे ली हुई है जो कि अभी बनवाई थी लेकिन इनको ठंडा कर लिया है ताकि गरम गरम इनको नहीं करने को मिले. 4 रोटी मैंने ले ली है और मैंने इनके लिए एग बॉईल किए हैं. हाँ दोस्तों आप लोगों को कच्चा अंडा बिल्कुल नहीं देना. जैसे देखो मैंने एग बॉईल किए हुए हैं और इसमें से मैं यहाँ पे एक अंडा लूंगा और एक एग इसके खाने में मिलाऊंगा, इसका भी येलो पार्ट अंदर का निकाल लूंगा, व्हाइट व्हाइट पार्ट इसमें मिक्स करना है. तो फटाफट से मैं आप लोगों यहाँ पे करके दिखाता हूँ. दोस्तों जैसे मैंने इस अंडे को छील लिया है प्रॉपर तरीके से और इसका जो अंदर का येलो पार्ट था वो भी यहाँ पे निकाल लिया है, अब बस मेरे को क्या करना है इसको इसमें मिक्स करना है. फटाफट से पहले मैं इनको हटाता हूँ क्योंकि ये मैं रॉक्सी की डाइट बना रहा हूँ और ये मेरा बगीरा है, जो कोई भाई इसको जानता होगा देखो ये कितना बड़ा हो चुका है. काफ़ी सारी वीडियो से मैं आप लोगों को इसको दिखाता आ रहा हूँ और इसकी हाइट डे बाई डे ग्रोथ कर रही है और ये एक हेल्दी पपी है और इसकी सारी वैक्सीन भी मैंने कम्प्लीट कर रही है. तो फटाफट से मैं इसको यहाँ पे भाई ये करने नहीं देंगे तो मैं इसको अलग रख के करता हूँ. तो फटाफट से बस मेरे को इसमें एग ऐड करना है. एंड मैं यहाँ पे आया और इसमें एंड देखो गाइस मैंने इसमें एग प्रॉपर तरीके से मिक्स कर लिया है, बस मेरे को इसमें मल्टी विटामिन ऐड करने हैं. तो मल्टी विटामिन ऐड करने के लिए मैं कौन सा मल्टी विटामिन यूज़ करता हूँ तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊं. तो ये वाला मल्टी विटामिन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो इसको भी मैं जल्दी से इसमें डाल लेता हूँ. देखो दोस्तों मैंने इसमें मल्टी विटामिन ऐड कर लिया है, बस मेरे को इसको मिक्स करना है अच्छे से. तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ ताकि मेरी रॉक्सी इसको ठीक से खा सके. दोस्तों मल्टीविटामिन आपको लोग जरूर ऐड करने हैं, इससे इनकी हेल्थ ठीक रहती है और जब इनको बेबी होंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम फेस करने को ज़्यादा नहीं मिलेगी, उनके बेबी हेल्दी होंगे, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें लेनी है. अब दोस्तों ऐसे मैंने ऐड कर लिया, बस मेरे को रॉक्सी को बुलाना है क्योंकि रॉक्सी बाहर जाके बैठ गई है, उसे लगता है कि भाई मैं उसका ट्रीटमेंट करूँगा क्योंकि उसके पैर में चोट आ गई थी और उसको मैंने ठीक किया था, उसके चक्कर में वो थोड़ा बाहर बैठी रहती है. अब जैसे आप लोग देखो ये बाहर बैठी हुई है, यहाँ पे थोड़ा अलग बैठती है अब सबसे, और मैं इसको यहाँ पे खाने को यहीं पर दे देता हूँ और ये इसको आराम से खा लेगी. अभी ये इनको देख रही है कि भाई ये सब कहाँ से आ गए और ये डाइट ये आराम से खाएगी. एंड आप लोग देखो दोस्तों इसने खाना पीना यहाँ पे चालू कर दिया और बाकी सब इसको देख रहे हैं. ये तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं है उसके खाने के पास जा सके, तो मैं इन तीनों को भी खाना दे देता हूँ. तो थी मेरी दिन की डाइट और मैं आप लोगों को रात की डाइट और बता देता हूँ. तो दोस्तों रात की डाइट में मैं इसको देता हूँ दलिया,
दलिया में भी मैं इसका एग ऐड करता हूँ। एग ऐड करने के बाद इसको इसी तरह से मल्टीविटामिन देता हूँ। दिन में 2 या 3 बार आप लोग खाना दे सकते हो, लेकिन उसको ज़्यादा ओवर ईटिंग आप लोगों को नहीं करानी है, क्योंकि अगर आपकी डॉग अगर ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो उसको बेबी देने में बहुत दिक्कत होगी, और इसलिए आप लोगों को बस उसको दिन में 2 या 3 बार तक खाना देना है, लेकिन हल्का हल्का खाना देना है ताकि वो हेल्दी रहे। बस इतना रखना है कि मोटा नहीं होने देना आप लोगों को। फीमेल जितनी मतलब थोड़ी पतली रहेगी, कमज़ोर तो नहीं लेकिन पतली रहेगी, उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने इसको डाइट दिया, आप लोग भी यही डाइट फॉलो कर सकते हो। 4 रोटी में 1 बॉयल्ड एग और उसके अंदर का निकाल देना। जैसे आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में देखते होंगे, मैं उसको रॉ एग मतलब कच्चा एग दे देता था, लेकिन अब मैं उसको बॉयल्ड एग देता हूँ। सभी को बॉयल्ड एग देता हूँ, इसको भी, बगीरा को भी, भूरी को भी, और इनको मैं दलिया भी दे देता हूँ, जिसमें दलिया में भी मैं एग डाल देता हूँ और इनकी रोटी में भी एग डाल देता हूँ। बाकी इनको मैं दोपहर के टाइम पे खीरा वगैरह खिला देता हूँ ताकि ये अच्छे रहे, और इनको छोटे छोटे चीरे खिलाते रहता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन लगी हो वीडियो आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फ्यूचर अगर रॉक्सी के पपीज अवेलेबल होते हैं तो मैं उनकी वीडियो भी आप लोग सामने लेकर आऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।